नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। चकाचक एक्सप्रेस की खास प्रस्तुति है कस्तूरी, और आज कस्तूरी की खास मेहमान है देश की जानी मानी कथाकार और शिक्षाविद प्रोफेसर संतोष गोयल जी। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चकाचक एक्सप्रेस में। नमस्कार, बहुत अच्छा लगा चकाचक का। संतोष जी, बहुत सारी बातें आपकी रचना धर्मिता पर करूंगा और कथा संसार पर करूंगा, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा कि बचपन कैसा बीता और किस तरह से साहित्यिक माहौल आपको मिला। मस्ती मारते थे हम तो, ये पता है कि घर के अंदर माहौल ये था कि मेरे बड़े भाई थे, मैं और भाई निकल जाते थे। हमारे घर में कोई ये फ़र्क नहीं था कि ये लड़का है, ये लड़की है, लड़की को जाना है या लड़के को नहीं जाना है, ये कुछ नहीं था। हम दोनों निकलते तो पिट्ठू भी खेलते, गुल्ली डंडा भी खेलते, बैट बॉल भी खेलते, साइकिल पे भी उड़ जाते। कभी जाते हुए हम दोनों जनों ने इस तरह से बचपन बिताया। हालांकि हमारी दादी नानी जरूर चीखती रहती थी, हमारी मदर को कहती रहती थी छोरियों को बिगाड़ रही है, ये सब कर रही है, पर हमारी माँ कहती थी नहीं नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी तो छोटे बच्चे हैं, बड़े होंगे तब की तब देख लेंगे। तो बचपन मैंने तो इस तरह से बिताया है अपना, जिसमें मुझे कोई कभी अपनी परवरिश को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने माता पिता को लेकर के, अपने माहौल को लेकर के कभी कोई मेरे मन में शिकायत नहीं जाए। और साहित्यिक परिवेश जो आपने पूरे लंबे जीवन में अपने साहित्य को लिखा, वो साहित्यिक परिवेश कहाँ से पनपा और कहाँ से लगा के लिख सकती हैं आपके? तो मुझे सचमुच नहीं पता कि मेरे अंदर वो चीज़ें कहाँ से जज्ब हुई है। शायद किसी कहानीकार को नहीं पता होता होगा। मुझे ये पता है कि मेरी माँ की सिर्फ ये इच्छा थी कि वो नहीं पढ़ पाई थी। वो रोहतक में पैदा हुई थी, रोहतक के माहौल में जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव था, तो उनकी ये इच्छा थी कि मेरी बच्ची पढ़ कर के अपने पैरों पे खड़ी हो, बस ये इच्छा थी उनकी इतनी भर। और इसकी वजह से उन्होंने हम सबको पढ़ने की तरफ जुटा दिया। अब उसमें साहित्य बना क्या नहीं बना, ये सब कुछ दिमाग में भी नहीं था। और मैंने कभी सच पूछा जाए तो ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं साहित्यकार बनूंगी या बन जाऊंगी, कैसे बन जाऊंगी ये नहीं पता। मुझे ये याद है कि माँ सरिता सारिका जैसी पत्रिकाएं पढ़ती रहती थी, कादम्बरी और उन दिनों ये पत्रिकाएं होती थी, गृह शोभा जैसी, और पिताजी के पास भगवती चरण वर्मा से लेकर के सारे उपन्यासकार, गुरुदत्त खासतौर पर उन्हें बेहद पसंद था। बल्कि मुझे पिताजी से विरासत में जो चीज़ें मिली, उनका एक डिब्बा मिला जिस डिब्बे में सारे उनके उपन्यास और उनके अंडरलाइन की हुई वो थी, जिससे कि मुझे पता चले कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट थी और इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। अगर इसे मैं कहूँ कि मेरा साहित्यिक बैकग्राउंड था तो था, लेकिन मन में कहीं मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती थी। नतीजा ये कि मैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, ये सारी किताबें लगातार 18, 14 और उनके जितने भी वो थे भाग थे, उन सबको लगातार 15 दिन के अंदर ख़त्म कर रहा, पढ़ती गई, यहाँ तक कि रिजल्ट आ गया। पिताजी ने आवाज़ लगाई, संतोष तेरा रिजल्ट आ गया। अच्छा बाबूजी, मतलब ऐसे हम पढ़ रहे हैं, उसे खो करके उसमें डूबे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर तो वो सब चलता था कि वो तिलिस्म खुल रहा है और ये हो रहा है, तो हम भी उस तिलिस्म में साथ में डूबे हुए हैं, रिजल्ट विजल्ट का कोई मतलब नहीं है। अच्छा पिताजी, कहते हैं तू पास हो गई, अच्छा पिताजी ठीक है, और फिर किताब में डूब गए। फादर अंदर देखने आए कि कर क्या रही है लड़की, जो रिजल्ट से इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आ ही नहीं रही है। इतनी पढ़ाई का वो था कि देवनगर में रहते थे हम, और वहाँ पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी सारी की सारी ख़त्म कर डाली, पढ़ी। चवन्ने वाले उपन्यास मिलते थे, चार आना देते थे तो किराए पे मिलते थे, वो सारे लाते थे, एक दिन में ख़त्म करा, अगले दिन लौटा दिया, इस तरह से पढ़ते थे। अब ये बैकग्राउंड बन रहा था मेरा साहित्यकार बनने का, हो सकता है पढ़ते पढ़ते लेखक बन गई, ऐसा भी कहा जा सकता है। हाँ, आपने कविताएं लिखी, गद्य लिखा, बहुत सारी कविताएं हैं आपकी फिर गद्य की ओर उन्मुख हो जाती हैं, क्या कारण रहता है कि कविताएं छूटी और गद्य की तरफ? कविता को असल में मैं समझती हूँ कि कविता आपकी व्यक्तिगत दुख सुख की अभिव्यक्ति है, जबकि कहानी व्यक्तिगत नहीं है, इंसान की है, रिश्तों की है, और ख़ास तौर पर महिलाओं के दुख की तो है ही है, जिसे मैं बहुत समझती हूँ और बहुत शिद्दत से महसूस भी करती हूँ। तो
ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने कविता छोड़ दी है, आज भी मेरे भीतर कविता जन्मती है तो मैं लिखती हूँ, अगर कुछ मन में आता है तो मैं लिखती हूँ। पर अब फर्क ये हो गया है कि कविताएं पहले मेरे व्यक्तिगत दुख सुख की होती थी, अब कविताएं अनुभव की हो गई है। जी, अब ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है, अब उसे कविता में ढाल के दूसरों को बताए या लिखे उसे। जी, या अंदर से इतनी तड़प महसूस होती है कि कविता को लिखे, और कविता को मैं मानती हूँ कि वो दूध के उबाल की तरह होती है, उबाल आया और फिर बैठ गया। कविता भी उबाल से शुरू होती है और उसके बैठ जाने पर ख़त्म हो जाती है। कहानी जो है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं जो कविता में नहीं दे सकते, तो कहानी में एक तो ये फ़ायदा है, दूसरा मेरी कहानी बहिरंग नहीं है, अंतरंग है। जी, मैं हर व्यक्ति के किए हुए कार्य के पीछे ये खोज मेरे भीतर रहती है कि उसने क्यों किया होगा ऐसा, या खुद भी सोचते हुए ये सोचती हूँ कि अच्छा उसके जीवन में ये हुआ था, उससे ये किया, क्यों, क्या कारण रहा होगा, हो सकता है ये रहा, हो सकता है ये रहा हो। और अंत भी मैं कहानी का वो नहीं देती जो नॉर्मल होता है, उसे छोड़ देती हूँ कहानी के उस पर, जिसे कमलेश्वर जी कहते थे ये अंतहीन अंत की कहानियाँ हैं। जी, मतलब अंतहीन भी है और अंत भी है, उस तरह की कहानियाँ। तो कहानी में भी मुझे लगता है कि कहानी मेरे लिए मेरे भीतर की शिद्दत, मेरे भीतर का तनाव, मेरे भीतर का द्वंद्व, मेरे भीतर जो सभी कुछ चलता है तर्क वितर्क, उन सब का वर्णन मैं कहानी में कर पाती हूँ। आपकी कई कविताएं मैंने पढ़ी हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आपकी ही आवाज़ में आपकी कोई कविता हमारे दर्शकों के लिए अगर सुनाना चाहें। मेरे मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि हम बेटा और बेटी के बारे में क्यों अंतर करते हैं और क्यों सोचते हैं, और ये भी प्रश्न उठता है कि आखिरकार इतनी सारी दिक्कतों में जीकर के कोई महिला अपनी ज़िंदगी कैसे बिता लेती है और क्यों बिता लेती है, और क्या चीज़ है उसके अंदर जो उसे जीने देती है। इन दो प्रश्नों से जूझती मेरी कई कविताएं हैं। पहली कविता मैं सुना रही हूँ, उस दिन अचानक। उस दिन अचानक पूछ बैठी थी बाबूजी से, बाबूजी क्या बेटा बेटी से अच्छा होता है, बाबूजी क्या बेटा बेटी से अच्छा होता है। मेरी आंखों में थे सैकड़ों और भी प्रश्न लहराते, बलखाते, उभरते, जिनके उत्तर की आकांक्षा भी दिए सी जल रही थी। उत्तरों में भी उग रहे थे फिर अनेक सवाल। बाबूजी ने निगाह उठाई, प्रश्न के उत्तर में सवाल फैलाया, क्यों पूछती हो ये? हमेशा से बेटा कहकर पुकारने वाले बाबूजी ने इस बार कोई संबोधन न दिया। ऐसे ही बस, ऐसे ही, कोई नहीं पूछता, ऐसे ही कोई प्रश्न। झिझकते हुए कह उठी मैं, असल में उस दिन मेरे ससुराल के लोगों के सामने कहा था आपने, ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, और ये सच है। मेरे पिता यही कहकर आए थे मेरी ससुराल में कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा। मैंने बात बीच में छोड़ दी। फिर मैं और बाबूजी बैठे कुछ देर सोचते रहे अपना अपना, पर बात खत्म कहाँ होती है, बन जाती है रबड़ से खींचती परी कथा, गिलोय की लतर सी फैलती जाती है। एक बेटी माँ बनती है तो दूसरी बेटी के रूप में आ खड़ी होती है, दूसरी बेटी के रूप में आ खड़ी होती है फिर प्रश्नाकुल निगाह लिए। मैं माँ बने दो प्यारी बेटियों की माँ, गौरवमयी ममतामयी माँ, बेटों का सा प्यार लुटाती, बेटों की तरह पालती, हर तरह की सुविधाएं लेने की छूट देते हुए फिर एक दिन मेरी बेटियों ने दोहराया एक सवाल। माँ क्यों कहती हो तुमने पाला है हमें बेटों सा, माँ क्यों कहती हो तुमने पाला है हमें बेटों सा, क्या हम मात्र बेटी बनकर अच्छी तरह नहीं बन सकते। मैं भौचक सन्नाटे सी सोचती रही, तो मेरे भीतर बेटी की माँ होकर अवचेतन में बेटा पल रहा था क्या। अजब मानसिकता है जो एक माँ से दूसरी माँ तक, एक बेटी से दूसरी बेटी तक, पता नहीं मन के कंप्यूटर के हार्डवेयर तक फीड हो गई है।
बदलने की कोई गुंजाइश न छोड़ते हुए। सच तो यही है, इस बात पर गौर कीजिएगा, सच तो यही है, बेटियां कुछ नहीं होती, ये तो बेटों की आकांक्षा भर होती है, जो गलती से अनिश्चित धरती पर उतर आती है। क्या आज भी नहीं बदलेगा ये सच? कितनी जरूरी और मार्मिक कविता है संतोष जी। और अब कविताओं से कहानियों की तरफ कैसे मुड़ूं, मैं चाहूंगा एक कविता और अगर कोई सुनाना चाहे दर्शकों के लिए, बहुत जरूरी और मार्मिक कविता। मेरा गांव, हम भूलते भूल नहीं सकते, अगर हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं तो हम मर जाते हैं। सच बात यह है, अब ये जड़ें कहाँ, कब, कैसे, किस तरह दिखाई देती है, किसी को मिलती है, कोई पहचानता है, ये उसकी उस पर निर्भर करता है कि वो कितना गहरा सोचता है, कितना संवेदनशील है। अब मेरा गांव कब याद, कैसे आता है, क्या होता है, वहाँ पहाड़ों के पीछे छिपी ढलानों में बसा मेरा गांव आज भी जिंदा है मेरे भीतर। वहाँ पहाड़ों के पीछे छिपी ढलानों में बसा मेरा गांव आज भी जिंदा है मेरे भीतर। वहाँ पहाड़ की गोद में, घाटियों के चौड़े पाट में, चाय बागानों की सुगंध लेते, पहाड़ी झरनों की स्वर लहरियों के बीच सुन गुनगुनाते बचपन का स्वर आज भी झूम उठता है मेरे भीतर। उसकी याद से जगते हैं सुनहरे सपने, उसकी याद से जगते हैं सुनहरे सपने, रुपहली किरणें दिखा जाती है दिवा स्वप, असमतल पगडंडियों के दोनों ओर की झाड़ियों में जगमग जुगनू आज भी जगा जाते हैं कुछ कुछ मेरे भीतर। पहाड़ के सोना बिखेरती चोटियां मेरे घर के आंगन में फैलते सोना पाखी रंग, सांझ का उतरता सूरज, पहाड़ों के पीछे की सीढ़ियों से फैलता लाल गुलाल आज भी अनेक रंग भरता है मेरे भीतर। हालांकि शहर के एक खिड़की एक दरवाजे वाले एक कमरे के इस घर में ना तो झांकता है उजाला, ना ही उड़ता है सोना पाखी रंग, ना सुन पड़ती है कलरव और कलकल, ना फैलता है लाल गुलाब, फिर भी सांसें चलती रहती हैं जिंदगी का एहसास दिलाते हुए, क्योंकि किसी पहाड़ी किशोरी प्रेमिका सा आज भी जिंदा है मेरा गांव मेरे भीतर। और इस तरह हम सबको इस कविता से अपने गांव की याद आ जाती है। कविताओं से इतर मैं चलूंगा उस सफर पर जो आपने एक लंबे समय तक जिया, एकेडमिक सफर की बात कर रहा हूँ। आपने एक लंबे समय तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया, नौकरी के साथ साथ लेखन का संतुलन किस तरह से बिठा दी है? असल में पता नहीं, जो चीजें मन के भीतर से निकल के आती है उसमें संतुलन बिठाने की ज़रूरत भी पड़ती है या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता चलता, क्योंकि मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ। अपने घर का काम करते हुए, बच्चों की देखभाल करते हुए, कॉलेज जाते हुए, कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हुए और फिर लिखते हुए, सब चीज़ें मुझे कुछ भारी पड़ती हैं या मेरे लिए उनके लिए समय निकालना मुश्किल पड़ता हो। जिंदगी एक भागदौड़ थी, सुबह उठे और भागदौड़ शुरू हुई और रात को सोते समय तक नॉवल पढ़ते पढ़ते किसी मैं पढ़ते पढ़ते सोया करती थी तो पढ़ते पढ़ते सो गए। मैं कभी भी किसी को नहीं कहती कि मैं बहुत भारी तनाव में रही, मैंने बहुत व्यस्त जिंदगी जी है। हालांकि लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं, नहीं तुमने बहुत व्यस्त जिंदगी जी है, तुमने बहुत काम किया है। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत काम तो नहीं किया है, शायद मन में इच्छा थी इसलिए करती चली गई, और इच्छा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने सबसे पहली कहानी लिखी सामने वाला आदमी, पढ़ी रही फाइलों के अंदर 4-5 साल, जब थोड़ी फुर्सत मिली तो उसको भेज दिया साप्ताहिक हिंदुस्तान में, और वो खुदा ना खास्ता छप भी गई, जो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी कहानी अच्छी भी हो सकती है और छप भी जाएगी और मैं कभी साहित्यकार बन भी जाऊंगी, ये सोचा ही नहीं था। असल में यहाँ मैं बता दूँ रुक कर कि मेरा मन था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा। हमारे स्कूल में साइंस नहीं थी और हमारे पिताजी से हम कहते रहे कि हम साइंस पढ़ना चाहते हैं, पिताजी कहते हैं अब तुम जिस स्कूल में वही रहो, हमें कोई फुर्सत नहीं है कि अब कुछ और करें।
जा करके यही पढ़ते हैं, लड़कियां नहीं डॉक्टर वॉक्टर बनती है, बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर बनना। ठीक है भाई, हालांकि मैं मानने वाले लोगों में से तो नहीं हूँ और नहीं थी, पर पिताजी ने जिस तरह से समझाया या कुछ किया मान गए उस समय, तो अपना पढ़ लिए नॉर्मल। अब नॉर्मल पढ़ लिए तो अच्छा, चलो हमारे ताऊ जी जो है वो मध्य प्रदेश के डिप्टी कमिश्नर रहे और वो IFS थे और उन्होंने हिस्ट्री में किया था, पॉल साइंस में किया था हमें, तो उनको और छोटे चाचा जी ने भी हिस्ट्री में किया था, तो उनकी नकल मैंने, अब हमें हिस्ट्री में करना है। अच्छा ठीक है, हम साइंस में नहीं पढ़ पाए तो हम हिस्ट्री में जाएंगे। अच्छा तो वो भी नहीं हुआ। अब पता नहीं कहाँ से ये कहानी निकली, उस समय मन्मथनाथ गुप्त थे योजना पत्रिका के संपादक। अच्छा। और उनके साथ होते थे एक राकेश जैन, और मैं अपने पेरेंट्स साइड से जैन हूँ, मेरा सारा पुराना जो है मेरी डिग्रीज वगैरह संतोष कुमारी जैन के नाम से मिलती हैं। तो वो कहीं हमारी मदर को जानते थे, तो वो एक दिन घर आ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप इसको कुछ मत कराइएगा आंटी जी, आप इसको ना, नहीं उस समय मौसी जी कहते थे, आंटी जी कहने का रिवाज नहीं था उस जमाने में, इसको ना आप हिंदी में हमें करा दीजिए, इसकी तो भाषा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी लिखती है ये। अब हमारी मदर तो भैया फिदा फिदा हो गई कि उनकी हिंदी की इतनी तारीफ है। अच्छा दुखद तो ये रहा कि माँ बीमार हो गई, अब भाई के बाद नेक्स्ट लड़की में, तो घर भी संभालना है, माँ को भी देखना है और अपना भी प्रोग्राम छोड़ना है, ये सब काम करते हुए प्राइवेटली पढ़ाई शुरू की और MA हिंदी का एग्ज़ाम दे दिया प्रीवियस का, और उसमें यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन आ गई। मतलब सब चीज़ें ऐसे बनती चली गई जैसे नियत है, सब चीज़ें नियति की देन है। अब क्या था, अब तो थोड़ा हमें भी लगा कि भैया सेकंड पोजीशन को तो मेंटेन करना है। हमारे भाई उस समय बड़े भाई जो है वो इंजीनियरिंग कर रहे थे ग्वालियर में, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी, व्हेन आई गॉट माई पोजिशन देन माई प्रोफेसर टोल्ड मी दैट इट इज़ ईजी टू गेट अ पोजिशन बट इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन इट, आई थिंक यू विल मेंटेन इट। तो अब तो जिद चढ़ गई कि मुझे तो अपनी पोजिशन मेंटेन करनी है, भाई ने ये कैसे लिख दिया। तो अब अगला MA फाइनल के लिए दबा के पढ़ाई करी, माँ भी कुछ ढीली पड़ गई कि नहीं नहीं इस लड़की ने तो इतनी सी मेहनत में सेकंड पोजीशन ले ली है, तो अब हमारी यूनिवर्सिटी में आ गई फर्स्ट पोजीशन। तो अब सोचिए कि हम हिंदी में फंस गए, अब तो कुछ हो नहीं सकता था। अब हिंदी में फर्स्ट पोजीशन हो गई तो फिर डॉक्टर नगेंद्र के अंडर स्कॉलरशिप मिला, डॉक्टर नगेंद्र का ज़रूरी था कि वही हमारे गाइड बनेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी के हेड को ही बनना होता है पोजीशन पाने पे गए, और उसके बाद फिर मिरांडा हाउस में, इस तरह मैं मिरांडा हाउस में और हिंदी में घुसी यहाँ पे। अब यहाँ पर काम करते हुए मेरा दिमाग थोड़ा मैथमेटिकल है, साइंटिफिक और मैथमेटिकल, इसका अंदाज़ा आपको लगेगा हिंदी उपन्यासकार कोश से जी। तो उसमें क्या है, हमने उसे थिसोरस की तरह बनाया है, थिसोरस की तरह मतलब उसमें आपके पास उपन्यासकार का नाम है, उपन्यास का नाम है, डेट है जी, या उपन्यास के अल्फाबेटिकली कोई नाम है, सब तरह से पन्ने पलटिए तो आपको वो उपन्यास उसमें मिल जाएगा। अच्छा। इस तरह से उसे बनाया है, तो वो उस तरह से, ये दशरथ ओझा ने भी यही लिखा था कि मुझे हैरानी है कि इन लोगों ने जिस तरीके से काम किया है ये कोई हिंदी वाला व्यक्ति कर सकता है, मुझे लगा था इस तरह का काम तो कोई मैथमेटिकल दिमाग का आदमी कर सकता है, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी थी। तो वो सब करते कराते बस कहानियां भी कहीं से बनती रही। इसके बाद मैंने सामने वाला आदमी की कहानी है कि एक ट्रेन में सफ़र कर रही है, वो भी एक्चुअली ट्रेन में सफ़र मैं ही कर रही थी, आगरा मेरी शादी हुई थी जी। आगरा से दिल्ली आ रही थी, दिल्ली का सफ़र था, मुझे यहाँ स्कॉलरशिप मिला हुआ था और मेरे गाइड थे उस समय, इनके को गाइड जिसे कहना चाहिए, वो रामदेव कॉलेज के प्रोफेसर, तो उनसे मिलने आना होता था हर वीक में एक बार। तो मैं यहाँ आई और आ रही थी, तो रस्ते में मैंने देखा कि एक पति पत्नी और बच्चा है, एक बच्ची है, तो उन दोनों के झगड़े जो हो रहे हैं कि इतना पैसा खर्च कर दिया हमें, एक वो भी ताजमहल भी नहीं लेकर ले पाए, खरीद पाए, इतनी गरीबी है हमारे पास, पैसा नहीं होता है, हम कुछ नहीं कर सकते,
और इस बीच में मैं सोचती चली जा रही हूँ ये लोग क्या सोच रहे होंगे, या सामने वो जो फॉरेनर बैठी है वो क्या सोच रही होगी, या सामने वो जो बच्ची है वो क्या कर रही होगी। उस इमेजिनेशन में एक मेरा पात्र बनता है जो कि मैच्योर हो गया है। यूनिवर्सिटी में हम मैच्योर लोगों से बहुत हमारा वास्ता पड़ता था जी। और उनकी दिक्कतें हमें काफ़ी समझ में भी आती थी और उनकी ये बात भी समझ में आती थी कि वो अपनी दिक्कतों को कैसे छुपाती है। तो उसमें फिर कहानियाँ भी थोड़ी बहुत लिखी। तो इसके बाद मैंने सामने वाला आदमी में एक मैच्योर होती लड़की की मानसिकता उस सारे ट्रिप पे दिखाई है। जो सामने बैठा आदमी ब्लाइंड है और वो अपने काले चश्मे से देखता रहता है उसकी तरफ, एंड शी फील्स के वो मेरी तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब कहीं मैं भी शादी अब भी कर सकती हूँ, अब मेरे अंदर भी वो है। वो उसका सारी साइकोलॉजी देते हुए और अंत में जब उसे पता चलता है कि वो तो अंधा था और वो क्या सोच रही थी और क्या क्या सोच रही है, तो कहानी ख़त्म हो जाती है। लगभग आपकी सभी कहानियाँ मन के तार को छूने वाली हैं और मानवीय संवेदनाओं की कहानियाँ हैं। आपकी कहानी हंस में आती है जड़ें, वो कहानी मैंने पढ़ी, जो बेहद ज़रूरी कहानी भी है और बांधे रखती है पूरी कहानी समय के साथ साथ। उस कहानी के बारे में कुछ बताइए, उस कहानी का एक पात्र आप स्वयं हैं। जो वक्ता के रूप में कह लो या कहानी का एक पात्र होते हुए, यूं ही उन दिनों बहुत घूमा फिरा करते थे, वो ज़माना था, मारुति लिए दिल्ली की सड़कों पे घूमते फिरने की आदत थी काफ़ी। तो एक बार मेरी एक बहुत पुरानी मित्र थी, जानकार थी, उनकी डॉटर इन लॉ आई हुई थी मेरे पास और वो हीरे का काम करती थी, हीरे जवाहरात का। तो उसने मुझे कहा कि आंटी मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, चलिए आपकी रिंग बनवा देती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो, कहाँ जा रहे हैं? चांदनी चौक। मैंने कहा चांदनी चौक, तो मैं सिर मलती रही। मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, आज चलते ही है, आज देख ही लेते हैं। तभी मैं विदेश से लौटी थी जी। तो मैंने कहा चलो चलते ही, आज विदेश के बाद ये भी देख लेते हैं, यहाँ का मज़ा भी। तो एक्चुअली ये फीलिंग है मेरी जो मैंने वहाँ चांदनी चौक में महसूस की, एक्चुअली ये फीलिंग है कि वहाँ पर जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, जिन कुचकुलियों के अंदर कैसे कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, वो रिएक्शन मेरा। और बच्चों का, छोटे बच्चों का वो मोती पिरोना और ये सब करना और आँखों को मिचमिचाना, ये भी एक दुखद स्थिति मेरे भीतर थी। और वो गलियाँ जो थी जिनमें 8 फुट से शुरू हुआ मेरा सफ़र, फिर 6 फुट पे, फिर 4 फुट पे, फिर 2 फुट पे, और फिर हम ऊपर चढ़े तो वहाँ पर छलांग मारते हुए ऊपर चढ़े, ये एग्जैक्टली वहाँ पर था। उसे कमलेश्वर जी ने कहा है कि ये गलियाँ हिंदुस्तान की गलियाँ, सक्रिय होती हुई गलियाँ हैं, और इसमें जो सारा चित्रण है वो पूरे हिंदुस्तान का है। और एंड में जो मैंने दिया है उसके अंदर निष्कर्ष कि मैं उस खूबसूरत जगह पर, आरामदेह जगह पर खूब मस्ती से घूमते हुए कैनेडा के उन बाज़ारों के अंदर वो महसूस नहीं कर रही थी जो चांदनी चौक के उस डेप्थ में महसूस कर रही थी, जहाँ मैंने गालिब की मज़ार देखी, जहाँ मैंने गालिब का घर देखा। और वहाँ से निकलते हुए उस भीड़ में से धक्के खाते हुए निकलना और फिर रिक्शा पकड़ना, रिक्शा की इंतज़ार करना, वो सब करते हुए मुझे लग रहा था कि ये सफ़र मेरी जड़ों का है, इसलिए उसका नाम जड़ें डाला गया था। क्या बात है। आपने कई विदेश की यात्राएं की, वहाँ हिंदी की स्थिति को किस तरह से देखती हैं? मतलब हिंदी की स्थिति जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, थोड़ी बहुत हिंदी को बचाए रखने के लिए, उसकी बात ना करूं तो ये कहूंगी कि मुझे वहाँ पर बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हर भाषा बोलने वाला दूसरा व्यक्ति अपनी भाषा को और अपने संस्कारों को बचा कर रखता है, और हमारे उत्तर भारत का हिंदी स्पीकिंग बेल्ट हमेशा वहाँ जाकर अंग्रेजी ना बन जाता है और वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगता है, अपने कल्चर को भूल जाता है। हालांकि आज मैं कहूँ तो अपने बेटे की तारीफ करूँगी, बेटे और बहू की, उन्होंने दोनों बच्चों को हिंदी स्कूल में 7वीं क्लास तक पढ़ाया और वो सारे मंत्र जानते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। ये बात अलग है कि वो हिंदी बोलना नहीं जानते, मतलब बड़ा बेटा जानता है जो यहाँ से सीखते हुए गया था, छोटा बेटा जानता है और बोलता नहीं है। पर फिर भी संस्कारों की बात की जाए तो ये लोग काफ़ी जानते हैं जी। पर मुझे बहुत अफसोस होता है कि
उत्तरी भारत का हिंदी स्पीकिंग जो वर्ग है वो अपनी भाषा को और अपनी संस्कृति को वहाँ त्याग सा देता है, ये मुझे अफसोसजनक लगता है। जबकि सिख अपने गुरुद्वारे में जाते हैं जी, मुसलमान अपनी मस्जिद में जाते हैं, गुजराती अपनी गुजराती भाषा घर में बोलते हैं। मैं गई थी वहाँ पर न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में मुझे एक कॉन्फ्रेंस थी, एक लड़की मिली, नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, पर वो पंजाबी स्पीकिंग थी। वो कह रही थी घर में हम पंजाबी बोलने को मजबूर किए जाते हैं जो हमें बोलनी नहीं आती है। मतलब ये कल्चर लोगों के घरों में, झगड़े इस बात पर होते हैं। तो ये सब चीज़ें देखी भी, और सबसे बड़ी बात मुझे जो बहुत अच्छी लगती है विदेश की बाकी सारी चीज़ों के अंदर, वो लगता है उनका वर्क कल्चर। मैं हिंदुस्तान से, मेरे से जब पूछा कभी किसी ने, स्टूडेंट ने पूछा कि मैम आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ हिंदुस्तान में बदल जाए तो सबसे अच्छा हो जाएगा, मैंने कहा यहाँ पर वर्क कल्चर बदल जाए, बस कोई और ज़रूरत नहीं है। वर्क कल्चर बदली इसका मतलब है कि हर आदमी जो काम करना है उसे सिंसियरली करे जी। तो ये करना है, करते ही सारी चीज़ें सुधर जाएंगी अपने आप। तो ये चीज़ वहाँ पर मुझे अच्छी लगी उस हिसाब से जी। आपने जिस तरह से साहित्य लिखा, उसके अलावा आप टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड किताबें लिखती रहीं, कंप्यूटर की किताबें आपने लिखी है, उपन्यास कोश जो हमने बात की अभी वो भी आपने लिखा है, तो साहित्य के अलावा इधर की तरफ आपका रुझान है, उसके बारे में कुछ कहना चाहें। उपन्यास कोश की स्थिति तो ये हुई थी कि 1986 में मेरे हस्बैंड का कार्डिक अरेस्ट हुआ, एक्सपायर्ड इन अ वेरी यंग एज। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पे थी, तो मुझे बहुत ज़रूरत थी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कोई ऐसी चीज़ की जिस पे कि मैं मैथमेटिकली जज्ब हो जाऊँ। जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को लेकर के आप किसी सॉल्व करने में डूब जाते हैं, मैं इस तरह डूब जाऊँ, ये मुझे ज़रूरत थी। उस समय कहानी कविता से मेरा काम नहीं चल रहा था, मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग उसकी ज़रूरत थी। तब मैंने, मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि ऐसी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं मिलती हैं, क्यों नहीं बनती हैं, क्यों नहीं लोग करते हैं इस पर काम। मैंने ये प्रोग्राम बना लिया और मेरे कॉलेज के ही दोनों लोग मेरे साथ शामिल हो गए, ये दोनों मुझसे सीनियर थे जी, ये दोनों शामिल हो गए और फिर हमने इस पर काम शुरू किया। और ये समझ लीजिए कि 10 या 12 साल हम इसमें डूब गए पूरे समुद्र में। मतलब ये स्थिति थी कि एक लाइब्रेरी, दूसरी लाइब्रेरी, तीसरी जगह कलकत्ता, आगरा, जहाँ कोई लाइब्रेरी थी वहाँ हम गए और उसकी धूल हमने चाटी, और उसके रख रखाव इतनी बुरी हालत में है कि मैंने पेपर में लिखा भी था कि हिंदी की किताबों के इतना रख रखाव ख़राब क्यों है भाई, जीरोक्स का ज़माना है, आप जीरोक्स करा लीजिए चीज़ों की, उसे रख लीजिए। पुरानी पत्रिकाएँ निकालने के लिए ना लाइब्रेरियन निकाल के देना चाहे, और दे भी दे बहुत वो करके, मिन्नत मनावल करके, तो उसकी जो हालत थी और जो धूल थी और जो बीमारी थी हमारी, उनकी मैं बात नहीं कर सकती। बहरहाल इसमें 110 साल, 1870 से 1980 तक का समय, 110 वर्ष का, कम से कम नहीं होंगे इसमें 7000 उपन्यास, फिर उपन्यासों को पढ़ करके उनका थोड़ा कथ्य देना, फिर उनका पहला प्रकाशन वर्ष, प्रकाशक, पेजेस, ये सारी चीज़ें देना, और फिर अंत में सारी परिशिष्ट में सारी सूचियां अलग अलग तरीके से बनाना। तो ये डूब जाने वाला काम था जो मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी। और ये काम आने वाले लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक होगा ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने बात की थी टेक्नोलॉजी की, जो कंप्यूटर और अन्य किताबें हैं उसके बारे में अगर कुछ जिक्र करना चाहें। नहीं, बिल्कुल जिक्र करूँगी। हुआ ये कि मैंने असल में मैं कॉलेज में उस तरीके से बर्सर भी रही हूँ और प्रिंसिपल भी रही हूँ कुछ समय के लिए, जैसे होता है उस तरीके से, तो इसी तरह से कमेटी ऑफ कोर्सेज में भी रही। तो कोर्सेज कमेटी में जब हो रहा था तब ये बात हो रही थी कि कंप्यूटर हिंदी में क्यों नहीं आ सकता, और ये प्रश्न मैं भी हमेशा सबसे करती थी कि भाई हिंदी में कंप्यूटर क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया जा सकता। और फिर एक कोर्सेज कमेटी के अंदर हमने प्रयोजनात्मक हिंदी के नाम से एक हिंदी का
वो शुरू किया कोर्स और उसमें कंप्यूटर डाला जी। और कंप्यूटर जब डाल दिया तो हिंदी में कंप्यूटर की किताबें तो थी नहीं, तो मैं पढ़ा भी मैं ही रही थी। कोर्स भी मैंने किया था, IIT से कोर्स किया था NLP टीचर से प्रोग्राम में, तो कोर्स भी मैंने किया था, पढ़ा भी मैं रही थी, तो मुझे लगा ये तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने एक छोटी सी किताब स्टूडेंट्स के लिए हिंदी का परिचय देते हुए कंप्यूटर का लिखी पहले, फिर दूसरी किताब लिखी, फिर इसमें जो प्रयोजनात्मक हिंदी थी इसमें जनसंपर्क भी शुरू किया था, इसमें विज्ञापन भी शुरू किया था। अब जनसंपर्क और विज्ञापन की तो कोई किताबें हिंदी में थी नहीं जी, तो फिर वो जनसंपर्क पे किताब लिखी गई, फिर विज्ञापन पे लिखी गई, इस तरह करते करते किताबें लिखी गई। फिर विदेशों में कॉन्फ्रेंसेस में बहुत जाती थी, तो ललन प्रसाद व्यास एक थे जो रामायण कथा पर बहुत किताबें भी लिखते थे और प्रोग्राम भी करते थे, उन्हें कहीं से मेरा पता मिल गया। उन्होंने कहा संतोष तुम इसकी मेंबर बन जाओ। मैंने कहा जी ठीक है, मेंबर बन गई। अब वो जहाँ कहीं कॉन्फ्रेंस होती थी वहाँ मैं जाती थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में फिर मैंने रामचरितमानस का एक अलग से रूप देते हुए कि रामचरितमानस ना एक कहानी है, ना एक कथा है, ना पूजा की पुस्तक है, कुछ भी नहीं है, रामचरितमानस एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। राम का चरित्र पढ़कर हर उस व्यक्ति पर जो निराश होता है वो आशा से उठ बैठता है। बिल्कुल। तो वो देते हुए, मनोवैज्ञानिक आधार देते हुए राम कथा का फिर मैंने एक दूसरा रूप वहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया। वो सारे मेरे जितने लेख थे उनकी फिर पुस्तक छपाई। इस तरह से रेडियो पर जो देते थे प्रोग्राम अलग अलग तरह के अलग अलग समस्याओं को लेकर, उन सारी रेडियो टॉक्स की फिर एक किताब बनी 21वीं शती कुछ प्रश्न, इस तरह करके ये किताबें बनती चली। पढ़ाई लिखाई का एक पक्ष है आपका, इसके अलावा और क्या शौक रखती हैं? शौक का मेरा तो कोई अंत नहीं है। आजकल मैं अपने iPad पे सुडोकू खेलती हूँ और कैंडी क्रश, तो आजकल मैं ये बहुत खेलती हूँ। और कॉलेज टाइम में बैडमिंटन बहुत खेलती थी, और बच्चों के साथ गप मारने का भी मुझे बहुत शौक है, मतलब हर तरीके से टाइम वेस्ट करने का भी बहुत शौक है। आजकल लेखन में क्या नया लिख रहे हैं? आजकल लेखन में नया एक उपन्यास शुरू किया हुआ है, पर इस जन्म में पूरा होगा या नहीं अभी मुझे नहीं पता जी। एक पुस्तक छप रही है सृजन संसार करके, एक परख, जिसमें जितने लोगों ने मेरे किताबों पर आलोचनाएं लिखी हैं या उसकी परख की है, उन सबको एकत्रित करते हुए एक ही जगह पर एक ही किताब में, जिसका संपादन जो चंद्रकांता जी की किताब थी उसका मैंने किया था। अच्छा। मैंने निकाली थी वो। अब मेरी इस पुस्तक का संपादन कमलेश सतेर ने किया है जो अब नहीं रही, तो वो कर गई थी सारा काम और उसको पूरा करने का काम मैं कर रही हूँ, इस तरह से वो चल रहा है। पांच की पीढ़ी से कदम मिलाकर चलने का लगातार प्रयास कर रही हैं और सफल भी हो रही हैं, ये हमारी पीढ़ी के लिए एक संदेश भी है, कैसे संभव हो पाता है? शायद मुझे हर चीज सीखने की एक तमन्ना थी, बचपन से है वो, आज की बात नहीं है। शुरू में टाइपिंग, पिटमैन की टाइपिंग होती थी, टाइपराइटर सीखा, फिर पिटमैन के स्कूल जाकर के वो सीखी शॉर्ट हैंड। और एक दिन हमारे पड़ोस में कहीं पर उषा मशीन वालों ने अपना कुछ दिया, तो वहाँ जाकर के सिलाई सीखनी शुरू कर दी। तीसरे दिन क्रोचेट किसी ने सिखाया तो क्रोशिया लेकर बुनना शुरू कर दिया। मैं BEd करने 15 साल की उम्र में गई थी, 15 साल की उम्र में मुझे एक सिलाई वो स्वेटर बुनना था अपने भाई का लेकर के, उसमें डबल कलर का स्क्वेयर्स डाल करके बर्फियाँ बना करके वो स्वेटर बुनना शुरू कर दिया। तो पता नहीं शायद मेरे अंदर ये चीज़ है कि मुझे कभी ये फील ही नहीं होता मुझे कि मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब तक सांस चल रही है तब तक तो कुछ चलना ही चाहिए, चलता ही रहता है। कहानियाँ 10 दिमाग में होती बने चाहिए एक, पर होती तो है ही है। कविता 10 दिमाग में होती है बने चाहिए एक, पर होती तो है।
तो मुझे कोई चीज़ ऐसी महसूस नहीं होती कि मुझे नहीं आनी चाहिए। ये कहती है मैं कर लेती हूँ, मैं कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे सिखा, मुझे बता, मैं करूँगी। और यही जज्बा आपका आज युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने आ रहा है। अभी हमारे इस मंच से अपने पाठकों को और छात्रों के लिए कोई संदेश देना चाहें? सबके लिए, पाठकों के लिए और छात्रों के लिए जो सबसे बड़ा संदेश है, भाई सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आजकल हम लोग बहुत ही खरीदार और क्रय और विक्रेता का वो चल रहा है, तो महत्वपूर्ण नहीं है ये पैसा इतना। ना विदेश जाना महत्वपूर्ण है, ना डॉलर और पाउंड कमाना महत्वपूर्ण है। जहाँ भी आप रहे उसके लिए सिंसियर रहे, वहाँ के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं वो वहाँ के लिए सही हो, लोगों को सही सिखाए और आप अपने मानसिकता को भी सही रखें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूरी है आप लिखते इसलिए कि आपको ज़रूरत महसूस होती है लिखने की जी, और छपा इसलिए लेते हैं कि कुछ लोग तो पढ़ लें, ज़्यादा ना पढ़े, पर कुछ लोग तो पढ़ लें, आपको वो भी शांति मिलती है। लेकिन जो भी करें अपनी खुशी के लिए करें, जिसमें आपको तसल्ली मिले, आपको संतुष्टि मिले। इधर उधर मत दौड़िए, दौड़ने के बाद हाइट पे जाएंगे और हाइट के बाद नीचे गिरना होगा अंत। आज हमारे साथ बातचीत कर रही हैं देश की जानी मानी प्रतिष्ठित साहित्यकार संतोष गोयल जी। उन्होंने बताया कि आज मानवीय संवेदना का बचा होना बेहद ज़रूरी है और गंभीरता और लगन से किया गया काम ही आपको जग में प्रसिद्धि दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी हमसे जुड़ने के लिए और अपने इस सफ़र को साझा करने के लिए। थैंक यू विशाल, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से सबसे मिलकर। सबका बहुत बहुत धन्यवाद और चकाचक एक्सप्रेस का बहुत बहुत आभार, और फिर मिलते रहेंगे।